ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, पता है मेरे गोलगप्पे खाने थे, इन लोगों ने मुझे सिर्फ दो गोलगप्पे दिए, इतनी नशे है ना, इसने तो पूरे तीन खाए हैं, और मुझे इतना अच्छा, माइक छोड़ दो, मैंने कुछ करती मुझे मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं ना तुम मेरी वीडियो बना और आप सब सुनाए, मैं आपका इंटरव्यू करूँ, मैं आपका इंटरव्यू कर लेती हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद अली। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं ये रिपोर्टिंग करता हूँ। चले, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आपने मुझे इसका आंसर देना है। मैंने रास्ते में मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा, कैसे? आंसर दे मुझे। मैंने रास्ते में मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा, कैसे? कैसे? कैसे देखा? आपने मुझे बताया, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता। इनको आंसर नहीं है, मैं बताती हूँ। मैंने रास्ते में मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा, बिल्ली मरी थी, मैं चल रही थी, मेरे रास्ते में मरी हुई बिल्ली को चलते हुए देखा। मेरी क्लबिंग तो करे, वाह सारे करो, वाह देखा मैं कितनी जीनियस हूँ। मैं ना वैसे 9th क्लास में हूँ, मेरी एज 17 है, वैसे मुझे सारे कहते हैं तुम जीनियस। नहीं, एड्रेस नहीं मैं दे सकती, इतना मेरे में कॉन्फिडेंस। इधर आओ तुम, इधर आओ। वो मेरा कजन गया। मुझे ना वैसे ना टीवी में बड़ा शौक है, मुझे ना मॉडल बनने का बड़ा शौक था, पर आपस की बात है कि मेरा शौक पूरा कभी नहीं होना। वैसे मैं स्टडी में थोड़ी नील हूँ, पर ये कि मैं बड़े हंसाती हूँ, सोती रहती हूँ। ऐसा हुआ था कि एक दोस्त बुरा मना गए थे, वैसे हुआ कि मैंने एक गजल पढ़ी, उसके अशार है कि सहरा सहरा कहने से गुलजार बदलते नहीं, देख के तेवर दुश्मन के हम यार बदलते नहीं, और जिनकी फितरत में हो डसना डस के रहते हैं, बीए एमए करने से अफकार बदलते नहीं। ऐसे हुआ कि बाद में एक दोस्त बुरा मना गए, कहते मुबारक साहब आपने हमारे शहर का नाम अच्छी तरह नहीं लिया। तो मैंने कहा कि आपका शहर कौन सा है? कहते मैं डस्के का रहने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने तो किसी शहर का नाम नहीं लिया। तो वो कहते कि अभी आपने कहा है कि जिनकी फितरत में हो डसना डसके रहते हैं। तो ये बहरहाल मुख्तलिफ जो हमारे जो, तो कनाडा में गया तो आगे उन्होंने कुछ दो नौजवानों को भेजा हुआ था मुझे लेने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा रास्ते में, बहर वो बच्चे कनाडा के पैदा हुए तो उस तरह उनको कम्युनिकेशन की। मैंने कहा अच्छा आज प्रोग्राम क्या है शाम को? तो कहते कि आज पहले तो सोहबत सालेहीन का प्रोग्राम है, नेक नेक लोगों के साथ बैठ के बातें हैं, और उसके बाद आपके साथ बैठना है। तो, हाँ। तो मैंने बहरहाल उनसे मैंने उनको कहा कि यार मुझे भी सोबते सालहीन में ही रख लेते आप। कहते नहीं नहीं आप तो शायर हैं। नूरा, एलिफेंट की स्पेलिंग की है? बैया बैया भजना तेन नहीं पुछदा, तेरा तो पता है तू किन्ने पानी के। किदे मर खप गैन जेड़े आ ध्यान रन्ना वालियां दे पक्कन पर उठे ते छड़ियां दी अग ना बले, आ रन्ना वालियां दा भी आके हाल वेख लो। गुरु सब कुछ हार गया।